Today, students, we will start away with the sum. ये sum ICAI की website से भी आपको तो वो मिल जाएगा. I think आप लोगों ने already हमारी website से वो download वो कर लिए. तो शुरू में आपके पास cost sheet का format है that we discussed in lecture number one. So this is lecture number two. हम लोग एक question solve करने वाले हैं. Mostly वो exams के लिए तो वो आने वाला है. So just be careful of that particular question, okay? तो start कर लेते हैं. It is question number one. हम लोग जब भी वो वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे उधर जो भी आइटम आएगा ओके आपको मेरे को बताना है कि वो किधर आएगा ठीक है. उससे पहले एक बार बस डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने क्या किया हुआ है. क्या किया हुआ है ज़रा एक बार याद कर लेते हैं. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड उसके अंदर बस एक ही पॉइंट वो रिमेंबर करने वाला है कि परचेजेस के ना GST पहले इंक्लूड करो उसका सेट ऑफ मिल जाएगा तो लेस कर देना ठीक है. वरना मत लिखो तो भी वो चल जाएगा ठीक है. फर्स्ट सेकेंड डायरेक्ट लेबर उसके अंदर सारा का सारा C2C इंक्लूड कर देना. डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कोई भी स्पेसिफिक कॉस्ट है या मोल्ड वगैरह का कॉस्ट होएगा अमोर्टाइज करके उधर लिख देना ठीक है. उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर तुम्हारा सब फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड करना. उसके अंदर एडमिन कॉस्ट फैक्ट्री का इंक्लूड नहीं करना ठीक है. WIP स्टॉक WIP स्टॉक एडजस्ट करेंगे. फिर उसके बाद आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट या सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा. उसके बाद बहुत चीज़ें थी जो हम लोग को याद करने वाली थी. एक वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट आ जाता है. एक R&D का कॉस्ट आ जाता है. R&D का नॉर्मल वाला कॉस्ट जो नॉर्मल R&D होता है. उसके बाद एडमिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग द फैक्ट्री वो अपना एक डिस्कशन हुआ था. उसके बाद एक और चीज़ हम लोग ऐड कर देते हैं दैट इज़ योर प्राइमरी पैकिंग और सेल ऑफ स्क्रैप लेस हो जाएगा ठीक है. उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा वो आ जाएगा. फिनिश गुड स्टॉक एडजस्ट कर लेना. उसके बाद तुम्हारा वहाँ पे सारा का सारा एडमिन विच इज़ जनरल नेचर जिसके ना इंस्टीट्यूट बोलता है कि इंटरेस्ट भी इंक्लूड करो जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं इंक्लूड करने का. फिर उसके बाद तुम्हारा मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और तुम्हारा सेकेंडरी पैकिंग दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है. तो आई गेस इट इज़ क्वाइट क्लियर नाउ. लेट अस ट्राई टू स्टार्ट अवे विद द क्वेश्चंस ओके. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन दैट यू ऑल हैव. लेट्स स्टार्ट प्लीज. अर्नव इंस्पैक्ट उद्योग लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2019. पर्टिकुलर्स हैं उधर अमाउंट हैं तुम्हारे पास ओके. आगे GST पेड ऑन सॉरी सबसे पहले रॉ मटेरियल्स परचेस्ड. फिगर्स बहुत बड़ा है वो केयरफुल रहना. तो वो शायद 10 करोड़ है. आगे GST पेड ऑन अबव एट द रेट ऑफ 18%. आगे अंडरलाइन करो एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो आपको इसका सेट ऑफ मिल जाएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन है कि आप उसको इंक्लूड करो बाद में लेस कर देना या फिर आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो भी चल जाएगा. इन इफेक्ट तो आंसर तुम्हारा सेम ही रहेगा. फ्रेट इनवर्ड ऑब्वियसली दैट इज एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस तो मटेरियल के अंदर ही आ जाएगा. वेजेस पेड टू आगे अंडरलाइन करना फैक्ट्री वर्कर्स. तो फैक्ट्री वर्कर्स है तो वो किधर आएगा डायरेक्ट वेजेस. कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉइज टूवर्ड्स सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स एम्प्लॉईज PF एंड ESIS. ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेगा एम्प्लॉयर. हम लोग एम्प्लॉयर है मतलब अर्नव इंस्पैक्ट उद्योग लिमिटेड इज एम्प्लॉयर. वो एम्प्लॉई के PF के अंदर या ESIS के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. तो ऑफकोर्स वो तुम्हारे डायरेक्ट वेजेस के अंदर ही आ जाएगा. प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स डायरेक्ट वेजेस. रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन बोलो किधर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है. आगे अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल इसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए स्पेशली मैंने मेंशन किया था. पावर एंड फ्यूल उधर आता है कंज्यूमेबल्स फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है ठीक है. आगे अमाउंट पेड फॉर परचेजेस ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स. मोल्ड्स आ गया बेटा. लाइफ इज इक्वालेंट टू 2 ईयर्स. तो मोल्ड्स आ गया तो किधर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और उधर देखो जो अमाउंट है ना वो 8,96,000 है. तुम लोग 8,96,000 नहीं लेना तुम लोग उसका हाफ लेना ओके क्योंकि लाइफ इज 2 ईयर्स. जॉब चार्जेस पेड टू अंडरलाइन करो जॉब वर्कर्स. ये किधर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस. दिस इज नॉट पेड टू योर फैक्ट्री वर्कर्स पेड फॉर जॉब वर्कर्स. स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ठीक है. आगे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑफिस बिल्डिंग एडमिन और ऑब्वियसली वो एडमिन आगे लिख के रखना एडमिन जनरल ठीक है. आगे प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आ जाएगा. डिलीवरी व्हीकल्स तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा ठीक है. अभी वहाँ पे ना SND भी मत लिखना वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखना बराबर से क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं ठीक है. आगे सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स ये मेरे को बताओ किधर आएगा
ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आ जाएगा यार ना, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है, और सैलरी पेड टू द फैक्ट्री मैनेजर वो एडमिनिस्ट्रेशन वो वाला होता है, वो वाला समझ में आ गया, मतलब जो तुम्हारे फिनिश गुड्स के ऊपर आता है, ठीक है। आगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग तो सेलिंग ओवरहेड्स, व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर्स, ये वाला हेड तो हम लोगों ने किया भी था, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन विच इज जनरल। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यू आई पी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। मेरे को जरा बोलो, इफ इंश्योरेंस इज पेड फॉर रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यू आई पी, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है, लेकिन इफ इंश्योरेंस इज पेड फॉर फिनिश गुड्स तो किधर आता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, वो हम लोगों ने तो वो किया भी था, वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि दैट इज बेसिकली द इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स। तो आप लोग वेयर हाउसिंग कॉस्ट जो फिनिश गुड्स का होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, ठीक है, वो याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, मेरे ख्याल से क्वालिटी कंट्रोल अलग से एक हेड होता है फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे, तो ये उधर आ जाएगा। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आरएनडी कॉस्ट अलग से आता है बेटा, वो क्वालिटी कंट्रोल के नीचे ही आता है इनफैक्ट। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है। आप लोगों ने इनफैक्ट जो पॉल्यूशन कंट्रोल है तो वो डिस्कस भी किया था, इंजीनियरिंग भी डिस्कस किया था, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर भी एक क्वेश्चन के अंदर आया था। आगे एक्सपेंसिस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो दिस इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो उधर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला भी ध्यान दो, सैलरी पे टू फंक्शनल मैनेजर्स, फंक्शनल मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल, तो दिस इज अगेन दैट मैनेजर जो फैक्ट्री संभालता है, तो ये किधर आएगा? एडमिन, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये तुम लोगों ने किया हुआ है, ये एडमिन जनरल। आगे सेल्स एंड मार्केटिंग, ये तो मेरे ख्याल से सेलिंग के अंदर आ जाएगा। आगे सैलरी पे टू जनरल मैनेजर, ये तो डिस्कस भी किया था, एडमिन विच इज जनरल। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, बेटा ये अलग से आता है कि जो प्राइमरी कॉस्ट है, ओके, ये तुम्हारे फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे आता है और सीओपी के ऊपर आता है, ठीक है, दिस इज प्राइमरी पैकिंग। लेकिन जो दूसरा वाला है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, दिस इज सेकेंडरी पैकिंग, ये वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और नीचे सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट अलग से लिखेंगे। अब ये कॉन्ट्रावर्शियल आइटम भी आ गया, जो कॉन्ट्रावर्शियल आइटम है, मैंने मेरे ख्याल से पहले तो वो बोला भी था कि वो आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड एडमिन ऑब्वियसली विच इज जनरल, ये अपना वो डिस्कस हुआ था कि कोई ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीज नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने डाली है तो आप अभी फिर वो कर दो। अभी फीस पे टू ऑडिटर्स, तो एडमिन दैट इज जनरल। फीस पे टू लीगल एडवाइजर्स, एडमिन दैट इज जनरल। फीस पे टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, हम लोगों ने भी किया था, एडमिन दैट इज जनरल। परफॉर्मेंस बोनस पे टू सेल्स स्टाफ, ये सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर आ जाएगा। फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 1st of April 2018, तीन स्टॉक हैं, उनका अलग अलग जगह ही रहता है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st of March 2019, उसका भी मेरे ख्याल से अलग अलग जगह तो होता ही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 86,000, इसके लिए भी तुम लोगों ने नोट लिखा था, ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है टेक्निकली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से लेस होना चाहिए, लेकिन आईसीए उसको फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे लेस करता है, ठीक है, अगेन अ कॉन्ट्रोवर्शियल आइटम, लेकिन हम लोग वही करेंगे जो आईसीए ने अपने को फॉर्मेट के अंदर बोल दिया। आगे फ्रॉम द अबव डेटा यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अर्नव इस्पैट उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 शोइंग, बेटा क्या क्या बताने का है? प्राइम कॉस्ट, ओके, फैक्ट्री कॉस्ट, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइन, एंड लास्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स। मेरे ख्याल से तुम्हारी कॉस्ट शीट के ना सब कुछ तो आई जाएंगे, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन के ना। अगर देखोगे ना ध्यान से, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ बेटा, अभी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ तो हम लोग पर यूनिट वाला कॉलम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो अपने लिए भी इनफैक्ट अच्छा ही काम है। वैसे भी जरा सोचो, तुम लोग को फिनिश गुड्स का स्टॉक तो दे ही दिया है ना, अगर वो वाला स्टॉक तुम लोग को दे ही दिया है देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम आई गेस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, तो एक काम जरा कर लो, तुमको 5 आंसर बताने हैं, वो अच्छे तरीके से वो बताएंगे, तो यहां पे ना पहले ऐसे लिख दो आंसर्स, फर्स्ट सेकंड
थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, जब भी वो पांच आंसर आएंगे हम लोग इधर को डाल देंगे, सब कुछ मेरे ख्याल से ऑर्डर के अंदर ही आने वाला है. लेट अस स्टार्ट. बस ऐसे क्वेश्चंस क्या है ना, सिली एरर्स मत करना, जो भी चीज होते रहे उसको टिक मारते रहना, दैट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि लास्ट तक यहाँ पे सब कुछ कवर अप हो जाए. ठीक है, तो लिखो जरा प्लीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिखो, अर्णव, आगे गोस्वामी तो नहीं लिखा हुआ, इन द बुक्स ऑफ अर्णव इंस्पैक्ट उद्योग लिमिटेड. क्वांटिटी प्रोड्यूस सोल्ड वो मत ही लिखना प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन के ना वो वाला चीज है ही नहीं. तो लेट अस स्टार्ट, थोड़ा सा नीटली काम करेंगे यार. लिखो पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉलम बना लोगे, थोड़ा सा नीटली काम होएगा. दो पेज तक यार वो बना लो, वो काम में आएगा ही आएगा. एग्जाम के ना मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन शुड बी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, क्योंकि कॉस्ट शीट पहले अलग से चैप्टर नहीं था इन द ओल्ड कोर्स, अभी कॉस्ट शीट अलग से एक चैप्टर भी वो आ चुका है. सो जस्ट बी केयरफुल. कैलसीज भी रखना प्लीज. स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ओपनिंग स्टॉक जो भी होता रहता है प्लीज टिक करते रहो. याद रखना इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ मार्किंग्स नहीं होनी चाहिए, तो जो टिक करना है वो आप अपने रिस्क पे करो. अभी कर सकते हो एग्जाम के अंदर, जस्ट यू कैन मेक वन डॉट डॉट और समथिंग, ताकि बस वो याद रहे और कुछ नहीं है. ओके, तो रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक 18 लाख, इनर कॉलम में लिखना. एड परचेजेस, मैं इंक्लूडिंग जीएसटी ही लिखता हूं हमेशा, तो वो आ जाएगा 1000 लाख्स प्लस 180 लाख्स ना, तो कितना आ जाएगा 1180000000. अच्छा मेरे को बोलो यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड भी है, हाँ तो यहाँ पे लिख सकते हो एड, सेम वर्ड्स यूज किया करो जो टेक्स्ट बुक के अंदर होता है, फ्रेट इनवर्ड 1120600. अच्छा बेटा जीएसटी लिखता ना याद रखी, जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा तो लेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो अल्टीमेटली अपना कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि अपने को सेट ऑफ मिल गया. सो देयरफॉर लेस जीएसटी क्रेडिट, वो कितने का था 180 लाख्स लेस क्लोजिंग स्टॉक, नेट आंसर निकालो सर.
crores 19,68,600. चलो सुनो, क्या कर लेते हैं, हर हेड को ना एक सीरियल नंबर यार वो दे दो, तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, पता चलेगा क्या क्या हेड आ रहे हैं. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. अभी सेकंड, यहां पे लिखो डायरेक्ट लेबर. तो यहां पे वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, वाला काम हो गया. उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन मेड, बाय एम्प्लॉयर फॉर पीएफ एंड ईएसआईएस ऑफ एम्प्लॉय. चेक करो कुछ और है क्या डायरेक्ट वेजेस का. यार प्रोडक्शन बोनस आ जाएगा. टू लाख 90,000. थर्ड एड क्या होता है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले रॉयल्टी पेड आ जाएगा. $172,600. उसके बाद अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल 462,000. फिर नेक्स्ट वाला ना प्लीज ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स. एंड पैटर्न्स कैलसी लो 8,96,000. लाइफ कितना बेटा, 2 इयर्स 4,48,000. इतनी बड़ी कॉस्टशीट कभी की क्या इससे पहले? स्टार्ट करते हैं. चलो अभी आगे जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स. लिखो टोटल मारो उधर 172,600 प्लस 4,62,000 प्लस 4,48,000 प्लस 8,12,000 18,94,600. ग्रैंड टोटल मारो. तुम्हारा प्राइम कॉस्ट वॉज योर पार्ट वन, जितना भी आएगा उधर लिखो जाके. 1894 प्लस 35,70,000 प्लस एक बड़ा वाला फिगर 10, 74, 25, 200. जाओ
यहाँ पे लिखो 10, 74, 25, 200 चलो आगे चलते हैं. देखो ये काम तुम्हारा हो गया, प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए. अब ये बराबर से देखना क्योंकि अभी चीज़ें माइट बी स्कैटर्ड अक्रॉस द एंटायर सम. अभी तक सब कुछ ऑर्डर के अंदर ही था बेटा. ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी तो जहां पे भी एफ ओ एच लिखा है अभी वो आइटम्स इकट्ठे करने स्टार्ट कर लो. तो सबसे पहले स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, कितना अमाउंट है यार 1,12,000. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000. प्लांट एंड मशीनरी भी है 26. एक मिनट मैं टिक मार दूं यार वरना मुझसे ही गलत हो जाएगा. आगे सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, एक मिनट. सुपरवाइजर कौन होता है? जो वर्कर्स लोगों को सुपरवाइज करता है, इसलिए वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है. ओके, सैलरी पेड टू फैक्ट्री मैनेजर उसका अलग से एक चीज है. तो यहां पे लिखो सैलरी पेड टू सुपरवाइजर बेटा कितना है? 1,26,000. आगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किधर आ जाएगा? इधर ही आ जाएगा 48,000. आगे इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो इधर. यहाँ पे दो चीजें आएंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी 31,200. अच्छा यहाँ पे तीन चीज़ें आएंगी बेटा. फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है 18,100, रॉ मटेरियल एंड WIP भी है 36,000. अच्छा देखो और कुछ है क्या आगे? जो सेकंड लास्ट साइड जो मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 19 है शायद. तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन एंड इंजीनियरिंग 26,600. बस देखो और कुछ है इधर? टोटल मारो फिर. कितना आता बेटा? 607,900. इसको ऐड अप करो तो पहली वाली फिगर से 10,80,000. इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ढूंढ ढांड के लिखो वो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ढूंढ के डालो और उसके बाद जो आंसर आएगा
फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचो और वो तुम्हारा पार्ट टू ऑफ द आंसर है, वो उधर डाल देना. टेन कितना है सर? 10 लाख, 10 करोड़, 80,000. एक मिनट, WIP स्टॉक लिख देता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा तो बहुत लोग तो लिखेगा ही नहीं फिर. 9,20,8,70. चलो अपना इतना काम भी हो गया, एक काम जरा कर लेते हैं. ये तुम्हारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसको 4 करके बोल देना, और ये जो तुम्हारा आंसर आया ना बेटा इसको ऊपर डालो यार. ये तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट है 10,80,83,100, 10,80,83,100. बड़ा बड़ा फिगर है, सॉलिड. अच्छा सुनो, ये वाला काम भी तुम्हारा हो गया, यहां तक पहुंच गए. अभी उसके बाद बेटा बहुत चीजें आएंगी, एंड बी केयरफुल ऑफ ऑल सच थिंग्स. तो सबसे पहले 5 यहां पे भी क्या आता है, क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल के ना काफी चीजें थी, एक्सपेंसेस पेड फॉर, क्वालिटी कंट्रोल 19,600, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ. और तो कुछ नहीं है, टोटल मारो जरा. ₹1,15,800 टोटल वगैरह वो मत करना, सारी चीजें लेकर ही इकट्ठा टोटल करेंगे, ठीक है? चलो ये हो गया. फिर उसके बाद 6 यहां पे आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. R&D का शायद एक आइटम तो था यार. पॉइंट नंबर 18 जरा देखना, 18,200. देखो कुछ और है क्या इसके अलावा? नहीं है ना, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देना अभी. फिर ये सबसे कॉन्ट्रावर्शियल आइटम, रिलेटेड विद प्रोडक्शन. अच्छा तो मेरे ख्याल से यहां पे 2 चीजें थी, पॉइंट नंबर 20 और 21 आया था. एक्सपेंसेस पेड फॉर, ऐसे लिख देना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क 118,600 एंड सैलरी पेड 2 मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन 9,60,000. टोटल मार बेटा. ₹1,078,600 ठीक है. चलो ये वाला काम हो गया. उसके बाद 8 यहां पे हम लोग कुछ लेस करते थे, लेस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप.
मेरे ख्याल से लिस्ट के अंदर नहीं है, नीचे अलग से दिया हुआ है 86,000, ब्रैकेट में रखा करो जो भी लेस करते हो, एग्जाम के अंदर ही गलती करोगे वरना। चलो ये हो गया, उसके बाद नाइन क्या आता है इधर, एक लास्ट हेड क्या आता है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट 96, एक ही आइटम था ना उधर, 96,000 टोटल करो ये चीज को बेटा, बोल देने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद एक काम जरा करो, यहाँ पे भी लिख के रखो और उतना कंप्लीट करना अभी, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आई विल कैच अप विद यू, यू ट्राई टू कंप्लीट टिल COGS प्लीज। कितना आता बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 5,700। फिनिश गुड स्टॉक तुम लोग को मालूम है 11 लाख, 18,20,000 COGS तक पहुंचो। चलो सुनो आगे, दिस विल बी योर COGS, ये पीछे जरा लिखो एक बार, एक मिनट, COGS भी पूछा था ना लोगों ने, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले डालो, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाला था क्या, नहीं, 10 लाख, 93 लाख्स, 5,700 और ये मेरे पास है क्या सी पे, 10 लाख, 85,000, 85 लाख्स, 700। चलो ऐड उसको 10th आइटम करके वो बोल देते हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ब्रैकेट में बोल्ड बोल्ड लिखना जनरल, और पीछे से आ जाओ फिर से, काफी चीजें लिखनी बाकी होंगी। शुरू से बताओ बेटा मेरे को, ऑन ऑफिस बिल्डिंग लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन $56,000, फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, देखो एक वो किधर है, डेप्रिसिएशन ऑन कौन सा आइटम है बेटा, नंबर बोल मेरे को, वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है ना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, $19,600। फिर उसके बाद 15th में तो कुछ नहीं है, 17th, 18th, 19th तो कुछ भी नहीं है, 21 सैलरी पेड फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सैलरी पेड टू मैनेजर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस 9,18,000,
salary paid to general manager. Packing वो नहीं, interest and finance charges ना, वो controversial item लिखो, interest and finance charges. यहाँ पे ना रुको 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 रुको, bracket के अंदर इधर बड़ा बड़ा लिख के रखना, assumed for non इक्विटी फंड. नॉन इक्विटी मतलब नॉन शेयर होल्डर्स फंड्स यार, मतलब डेट के ऊपर. तो ये वाला जो अमाउंट है बेटा 7,20,000, आई थिंक सब कुछ अभी ऑर्डर के अंदर ही है. इसके बाद नेक्स्ट तीन चीजें कॉपी पेस्ट करो, 25, 26 फीस पेड to auditors independent directors. अच्छा टोटल मत मारना, अभी काम बाकी है अपना. अब यहाँ पे एक हेड दो मार्केटिंग ओवरहेड्स. मार्केटिंग के अंदर आप एक काम जरा करो, 10 हो गया है ना, आप इसी को 11 बोलो जरा. मार्केटिंग के अंदर एक सेलिंग ओवरहेड्स डाल दो, चलो स्टार्ट हो जाओ, जो भी चीजें हैं बाकी करो वो. सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर शुरू से भी पढ़ना स्टार्ट करो यार, जो जो टिक नहीं हुआ ऑलमोस्ट अभी वो आने वाला है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है ना पहले, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग. कितना बेटा? 18,000. उसके बाद सैलरी है किधर? पॉइंट नंबर 21 के अंदर. सैलरी ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर 10,12,000. पॉइंट नंबर कौन सा बेटा? 28 ना, परफॉर्मेंस बोनस. ऑफ सेल्स स्टाफ, इसका टोटल मार दो.
12,10,000 उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिखो एसएनडी अभी फिर से चालू हो जाओ एक डेप्रिसिएशन था वो मेरे को याद है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स 86,000 मेरे ख्याल से एक ही चीज है आउटर कॉलम में देखो 86,000 एक यहाँ पे अभी 12 लास्ट चीज डालो बेटर इट इज इसको अलग ही दिखाया करो सेकेंडरी पैकिंग ऑल्दो कई लोग उसको मार्केटिंग ओवरहेड्स का ही पार्ट वो मान सकते हैं बट दैट्स ओके अलग भी दिखाओगे कुछ गलत नहीं है सेकेंडरी पैकिंग एक आइटम था यार I'll write down the words over there. It'll be better. Packing for redistribution. All finished goods. Beta, kitna hai wo? वो भी आउटर कॉलम में लिखो एक ही चीज है बी केयरफुल बड़े बड़े नंबर है 10,85,000 85,700 प्लस 34,89,600 12,10,000 कितना आता है बेटा 1,134,83,300 11,34,83,300 चलिए सो योर वन क्वेश्चन इज ऑल डन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आई गेस फॉर मी 18 एग्जाम्स ओके सो इंश्योर दैट यू ऑल डू इट प्लीज इन अ प्रॉपर वे ओके So, in case you all will not know, the notes are there of course sheet and of question number one on our website, www.ajnext.com. So, go on to that website, ajnext.com. I'll write it down for those people who are not aware. In that, please go to courses. In that, go to enter. And below enter, below all the courses and the under the head of inter there'll be notes below for this chapter okay so ensure that you download and do this particular question okay thank you please share it with your friends because this is a new thing that many people might not be aware of so therefore they will come to know of this particular thing okay all the best guys bye see you thank you